हाय दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल UHQ रिलेशन आर्मी में स्वागत है। दोस्तों फाइनली मैं आपके सामने कुछ जो डाउट थे भाई वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि भाई कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जो कि GRS जो कि जबलपुर में सेंटर है, ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर, भाई इसकी रिलेशन भर्ती कब आएगी आप हमें बता दीजिए। तो दोस्तों आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और भाई अगर आपने हमारी ये वीडियो भी चेकआउट नहीं की तो भाई इनको वीडियो को चेकआउट कर लेना। इसमें भाई आर्टलरी की जो रिलेशन भर्ती निकली है उसके बारे में बताया गया है भाई, और BG सेंटर रुड़की में उसकी फुल डिटेल है, ठीक है भाई। और AMC सेंटर जो लखनऊ भर्ती कब निकलने वाली है भाई उसमें, यानी कि ये भी देख लेना भाई, आर्मंड क्रॉप, ठीक है, ये आप इन वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। और फिर चलते हैं भाई हम अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि भाई मुझसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई आप ये बताओ कि ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर की रिलेशन भर्ती कब निकलेगी, और जो भाई ये हमारी भर्ती निकलेगी मैं आपको इसके आधार पे बताऊंगा, ठीक है भाई, जो कि हमारी 2008 और 19 में हुई थी और वो कब निकलेगी 2020 में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2008 की, यानी कि 18 की, सॉरी, तो भाई जो कि हमारी 2018 को निकली थी इसमें भाई कौन कौन सी ट्रेड निकलती है पहले भाई मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें भाई एक तो स्पोर्ट्समैन वाले बंदे भी जा सकते हैं, GD की निकलती है भाई, क्लर्क की निकलती है, ठीक है। इसमें भाई जो हमारी ये भर्ती चली थी भाई, इसमें जो ट्रायल हुआ था स्पोर्ट्समैन वालों का, ठीक है भाई, ये हुआ था 26 से 31 मार्च के बीच में, ठीक है। और भाई जो उनका स्कैनिंग स्पोर्ट्समैन वालों का सोल्जर GD का हुआ था भाई, वो 2 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समथिंग यानी कि मार्च से अप्रैल तक चला था, ठीक है। और जो इसका फाइनली एग्ज़ाम हुआ था भाई वो हुआ था हमारा 29 जुलाई को हुआ था, और सोल्जर GD वालों का हुआ था भाई 27 मार्च को, ठीक है। और दोस्तों फिर चलते हैं हम अपनी 2019 की ओर। इसमें भाई जो हमारी भर्ती निकली थी GRC की, तो भाई इसकी निकली थी भाई अप्रैल से मई में, ठीक है भाई, अप्रैल से मई में निकली थी, और इसका एग्ज़ाम भाई हुआ था हमारा 28 जुलाई को। तो आप एक अनुमान लगा लो कि भाई जो 2018 और 19 में भर्ती निकली थी वो भाई हमारी मार्च से और अप्रैल के बीच में निकली थी, ठीक है। यानी कि मार्च तो समथिंग हमारा चली गया, और वैसे भाई 30 तारीख तक कोई फ़िलहाल भर्ती भी नहीं है, और काफ़ी जगह 144 धारा लग चुकी है, जैसे अब हरियाणा में भी लग जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो अब ये भर्ती निकलेगी हमारी 2020 में, तो भाई ये निकलेगी समथिंग हमारी जून में, ठीक है भाई, मई में, तो भाई मई या जून में ये कंफर्म है, ठीक है भाई, मई या जून में ही ये भर्ती हमारी निकलेगी। अगर 1% भाई ये भर्ती यानी कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाएगी, जून जुलाई भी हो सकती है भाई, ठीक है, जुलाई भी हो सकती है, जून भी हो सकती है, पर ये भर्ती भाई इन्हों के बीच में ही होने वाली है, मई या जून या जुलाई, ठीक है भाई, आपको अपनी प्रिपरेशन करके चलनी है। और भाई जो 2019 में हुई थी इसमें भाई 1 से 7 तारीख तक जो ट्रायल चले थे स्पोर्ट्समैन वालों के, भाई फिर 8 से 14 वालों की जो भर्ती क्रिया चली थी यहाँ पर, ठीक है भाई, GD और क्लर्क की, और क्लर्क के वही बंदे देख सकते हैं जिनका ये खुद का सेंटर है, ठीक है भाई। और 26 मई को भाई उनका हुआ था एग्जाम हुआ था, ठीक है भाई, सोल्जर GD वालों का, यहाँ पर लिखा हुआ सोल्जर GD और ट्रेड्समैन वालों का, ठीक है। और फिर हुआ था भाई जो क्लर्क वालों का, ठीक है, 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को क्लर्क वालों का टेस्ट हुआ था। तो दोस्तों अगर अब भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मत सोचना कि हमारी जो ग्रेनेडियर की भर्ती नहीं निकलेगी, तो भाई वो ज़रूर निकलेगी, ये इसी जो मैंने आपको मंथ बताए इन्हीं के बीच में निकलेगी, ठीक है भाई, आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी करके चलनी है, ठीक है। और दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, और भाई अगर चैनल पर भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है भाई। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।